हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज मैं क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप जो कि है स्पोरुलेशन, उसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं स्पोरुलेशन क्या होता है। स्पोरुलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पोर। नया इंडिविजुअल स्पोर से प्रोड्यूस होगा। स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरुलेशन। अब समझते हैं कि ये स्पोर क्या होता है। स्पोर से ही इसमें न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, तो स्पोर क्या होता है उसे समझते हैं। स्पोर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। हैव ए राउंडेड एंड टफ बॉडी कवर्ड बाय थिक कोटिंग। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट द स्पोर्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। जो स्पोर होता है वो क्योंकि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। स्पोर इज ए रिप्रोडक्टिव सेल। गैमेट भी रिप्रोडक्टिव सेल होता है, पर स्पोर और गैमेट दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि स्पोर होता है वो विदाउट फ्यूजन ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसे फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। पर गैमेट एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल के साथ फ्यूजन के बाद ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होगा और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। स्पोरुलेशन क्या होता है और स्पोर किसे कहते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये चारों के चारों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाता है। The spores help to prevent the bacterium under unfavorable condition में ये अपने आप को बचाने के लिए spores produce करता है। इसके जो spores होते हैं bacteria के वो highly durable होते हैं, मतलब several year तक dormancy में रहने के बाद भी ये favorable condition मिलने पर germinate और grow करके new bacteria form कर देते हैं, जैसा कि हम लोग को bacillus और clostridium के केस में देखने को मिलता है। सेकेंड है algae। एल्गी भी स्पोर फॉर्मेशन करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। एल्गी मेनली टू टाइप्स के स्पोर फॉर्म करता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स को ए प्लेनोस्पोर कहते हैं, और इसमें लोकोमोशन के लिए किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे कि फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है। और मोटाइल स्पोर को हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे एक या दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलता है रेड एल्गी। रेड एल्गी नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और ग्रीन एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास मोटाइल स्पोर्स बनाता है। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो वाटर करंट के साथ मूव करते हैं, और सूटेबल कंडीशन मिलने पर या सूटेबल एनवायरनमेंट में पहुंचने पर ये जर्मिनेट और ग्रो करके न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। जबकि जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो वो फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करते हैं और सूटेबल एनवायरनमेंट में पहुँचने पर ये जर्मिनेट करके ग्रो करके न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। थर्ड देख लेते हैं फंगस में। फंजाई जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से ही करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं। फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो सूटेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर और फूड की अवेलेबिलिटी पर ये जर्मिनेट करके और ग्रो करके न्यू फंगस फॉर्म करते हैं, जैसे कि राइजोपस और पेनिसिलियम के केस में देखने को मिलता है। राइजोपस में जो स्पोर्स बनते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तो राइजोपस के स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और पेनिसिलियम के जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते हैं, वो आउटसाइड ही बनते हैं। इसलिए पेनिसिलियम के जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनस होते हैं। और फोर्थ है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि लिवरवॉर्ट, हॉर्मवॉर्ट, मॉसेस एंड फर्न, इन सब में भी स्पोर्स
देखने को मिलता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ टाइप, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नेम से ही क्लियर है कि फ्रेगमेंट मतलब कि ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म या पेरेंट की बॉडी ही फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाती है और हर एक पीस और फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट्स एंड स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और हर एक फ्रेगमेंट और स्मॉल पीस ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि फंजाई, जैसे कि माउल्स और मशरूम में जो हाइफी होता है वो फ्रेगमेंटेशन के बाद हर एक हाइफी का फ्रेगमेंट एक न्यू फंजाई फॉर्म करता है। एल्गी जैसे कि स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम, ये सभी के सभी फिलामेंटस एल्गी होते हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन के बाद न्यू इंडिविजुअल हर एक फ्रेगमेंट न्यू एल्गी फॉर्म कर देता है। प्लांट्स जैसे कि लिवरवर्ट और मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और एनिमल्स जैसे कि स्टारफिश, हाइड्रा और प्लेनेरिया भी फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि स्टारफिश के अगर एक भी आर्म कट जाए तो स्टारफिश उस आर्म को दोबारा बना लेगा, और जो वो आर्म है वो पूरे स्टारफिश को दोबारा बना लेगी। और हाइड्रा को भी वैसा ही केस है, अगर हाइड्रा को कई पीसेस में काट दिया जाए तो उसका हर एक पीस, यानी कि उसका अगर बॉडी फ्रेगमेंटेड हो जाए तो उसका हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म करेगा। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।